हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे एक ही किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो बाइट्स, जो कि बनाने में भी बहुत सिंपल है और बहुत ही कम चीज़ों से ये बन जाता है। तो आइए इस रेसिपी के लिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो आप ये चीज़ कभी भी शाम में स्नैक्स में बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक पैन, इसको हम गर्म होने देंगे। इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए, इसमें हम डालेंगे 5 लहसुन और 3 पीस हरी मिर्च। इसको छोटा छोटा कट कर लिया है और थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे। जैसे ये फ्राई हो जाए, इसमें हम डाल देंगे चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून। इसको भी थोड़ा सा तेल में फ्राई कर लेंगे। अभी यहाँ पे मैंने 1 कप पानी डाला है। तो अब इस पानी को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जैसे ही पानी हमारा बॉईल स्टार्ट हो जाएगा, मीडियम फ्लेम पे हम इसको बॉईल करेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 कप चावल का आटा, राइस फ्लोर, और इसको अच्छे से लो फ्लेम पे हम मिलाते रहेंगे। जब तक ये चावल का आटा सारा पानी नहीं एब्जॉर्ब कर जाए, तब तक हम इसको कंटिन्यूस मिलाएंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। ये हमारा हो गया, इसको हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। और ये भी हमारा ठंडा हो गया है, हम इसके बर्तन में ले लेंगे। इसमें हम डालेंगे 4 मीडियम साइज़ का बॉयल आलू, इसको मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था। तो ये बॉइल्ड आलू है। इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, नमक मैंने डाला है 1 चम्मच, आप अपने स्वाद अनुसार नमक ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने यूज़ किया है 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। और ये सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर पानी हम बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे और एक सॉफ्ट डो रेडी कर लेंगे। तो डो हमारा रेडी हो गया है, अभी हम इसका पकोड़ा जैसा बनाएंगे। तो पहले इस तरह से हम इसको रोल करेंगे, हल्के हल्के हाथ से इस तरह से रोल कर लेंगे और इसको एक नाइफ से इस तरह से छोटा छोटा कट कर लेंगे। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, मैंने इस तरह से शेप दिया है। अभी चलते इसको फ्राई करने के लिए। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है, इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। और यहाँ मैं डीप फ्राई कर रही हूँ, तो डीप फ्राई करने के लिए मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। तो रिफाइंड ऑयल जो मैंने यूज़ किया है, इसको अच्छे से गर्म होने देंगे हम और मीडियम फ्लेम पे हम सारे बाइट्स को फ्राई करेंगे। तो सारे पोटैटो बाइट्स को हम फ्राई कर लेंगे इसी तरह से। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और तेल जब हमारा अच्छे से गर्म हो, तभी हम सारे पोटैटो बाइट्स को डालेंगे और उसके बाद हम फ्लेम मीडियम कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से पलट पलट के हर साइड से हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो स्नैक्स हमारा रेडी हो गया है। तो अभी हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो ये स्नैक्स आप अपने घर पे जो ट्राई कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिए और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और नए नए डिशेस ट्राई करते रहिए। थैंक यू।